अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सारा खैर खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे लोगों के लिए जो चाइना में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ एज ए स्टूडेंट बिजनेस, या वो घूमने के लिए आ रहा हूँ, या चाइना में ही हूँ और उन्होंने कभी ट्रेन टिकट किया ना हो। तो आज हम डिटेल आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपने चाइना में ट्रेन टिकट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप चाइना में ट्रेन के थ्रू अगर आपने ट्रेवल करना हो तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन कर लें या आप ऑफलाइन कर लें। अगर आपने ऑनलाइन करना हो तो बहुत इजी तरीका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप अपने टिकट करवा सकते हैं, जैसे कि आप अलीपे से कर सकते हैं, वीचैट से कर सकते हैं, चुनार से कर सकते हैं, मेजबान से कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊंगा वीचैट का, कि आप वीचैट से अगर आप टिकट करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने वीचैट ऑन कर लें, और हाँ, वीचैट का बैंक के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने पे करना हो तो फिर आपका बैंक के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप रेल एंड फ्लाइट में चले जाएँ, वहाँ पर फिर आपकी जो डेस्टिनेशन है आप वो दोनों इंसर्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेक करते हैं गुआंगझो से बीजिंग तक, तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे जो गुआंगझो से बीजिंग तक का जो टिकट्स हैं वो आपको आ जाएंगे। अगर आप अंदर चले जाएं तो आपको फिर यहाँ पे वो वैरायटी होंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने सीटर पे जाना हो, या आपने स्लीपर पे जाना हो, सॉफ्ट स्लीपर पे जाना हो, या आपने स्टैंडिंग पे जाना हो, ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे होंगे। और आपने फिर जो टिकट आपके लिए सूटेबल है आप उसको क्लिक कर लें। जब आप अंदर जाएंगे तो फिर आएगा एड पैसेंजर, एड पैसेंजर पे आप चले जाएं। फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए करना हो और वहाँ पे फिर आपके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड नंबर और जो यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल, आप सब वहाँ पे डाल दें। अगर आपने तीन चार बंदे का आपने टिकट करना हो तो आप एड पैसेंजर करते जाएं तीन चार लोगों का, और आप उनके लिए भी टिकट कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्म होने के बाद आप अपने टिकट कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये इनकी जो कुछ फीस आपको पे करना होगा, क्योंकि आप ये थर्ड पार्टी के थ्रू अपने टिकट पे कर रहे हो, तो तकरीबन पर टिकट डिपेंड करता है आपके डेस्टिनेशन पे, तो 10-15-20-25 यून आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि ट्रेन स्टेशन पे आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके टाइम बच जाएंगे, और दूसरी बात ये कि आपको वहाँ पे लाइन में रहना ज़रूरी नहीं है। और हाँ, अगर आपने ट्रेन टिकट लेने के बाद चेंज करना हो, जो पहला चेंज है वो आपके लिए फ्री है। अगर आपने दूसरा या तीसरा चेंज करना हो तो आपको पहला वो टिकट रिफ़ंड करना पड़ेगा। रिफ़ंड करने के बाद आप दोबारा से टिकट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपने 10-15 यूआन आपने पे किया होगा, इनके जो थर्ड पार्टी के फीस, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। जो दूसरा मेथड है वो है कि आप ट्रेन स्टेशन पे जाएं और वहाँ पे टिकट कर लें। अगर आपने ट्रेन स्टेशन पे जाना हो तो आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, आप अपने पासपोर्ट पिक्चर्स के थ्रू आप अपने टिकट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने दोस्त का पासपोर्ट लेके ट्रेन स्टेशन पे जाऊँ तो मैं उसके लिए टिकट ले सकता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आपने ट्रेन स्टेशन पे जाना हो तो सबसे बेस्ट यही है कि पहले आप ऑनलाइन चेक कर लें वीचैट या अलीपे पे, और आपने जहाँ पे भी जाना हो आप अपने उसका स्क्रीनशॉट ले लें और जाके उनको दिखाएं कि आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है, किस टाइम पे जाना है। क्योंकि अगर आपकी चाइनीज़ अच्छी नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, और अगर आपको लैंग्वेज बैरियर हो तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो बस यही है कि आप पहले अपने स्क्रीनशॉट बना लें, ऑनलाइन चेक कर लें, कंफर्म करने के बाद आप उनको दिखा दें और टिकट कर लें। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि टिकट्स हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन टिकट्स नहीं है तो फिर आप स्टेशन पर जाने के बाद भी आपको टिकट मिलना थोड़ा मसला होता है। और दूसरी बात यह कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि चाइना में जो ट्रेंड्स हैं, वो ट्रेन में लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, और इनके जो छुट्टियां हैं, जो इनके हॉलीडेज़ हैं, नेशनल हॉलीडेज़ हैं, और उसके अलावा इनकी गर्मियों और सर्दियों में छुट्टियां हैं, वहाँ पे इनकी जो ट्रैवलिंग पीक पे होती है तो वहाँ पे टिकट का मिलना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने जाना है गर्मियों की छुट्टियों में पाकिस्तान वापस जाना है, तो इवन मैंने 2 हफ्ते पहले टिकट किए हैं, लेकिन मुझे फिर भी स्लीपर नहीं मिला इंचवान से उरुमची का, तो मैंने सीटर लिया। लेकिन उसका ये फ़ायदा है, आप स्टैंडिंग ले लें, स्टैंडिंग ना ले लें, सीट कम अज़ कम सीटर ले लें, और आप ट्रेन में बैठने के बाद आप चौथे डिब्बे में जाएं और वहाँ पे एक काउंटर होगा, वहाँ पे जाके आप अपनी सीट चेंज कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। 80% अगर आप जैसे ही बैठते हैं चले जाएं तो आपको मिलता है, लेकिन कभी कभार बेड लक आपको नहीं मिलता तो आपको फिर उसी सीट पे बैठ के जाना होता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत अरसा हुआ है। पहली बात तो ये कि जो चाइनीज़ ट्रेन है वो बिल्कुल टाइम पर निकलता है, तो अपने टाइम का खास ख्याल रखें। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और उस स्टेशन पे आप कभी नहीं गए हो और लैंग्वेज बैरियर हो, तो कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि आपके सामान चेकिंग होगी, इसके बाद आपको थोड़ा समझने में, स्टेशन तक पहुँचने में आपको थोड़ा टाइम लगेंगे, जो कि मुझे खुद बहुत ज़्यादा लगा था। जो आपका फर्स्ट या सेकेंड टाइम है आप बिल्कुल टाइम पर पहुँच जाएँ, लेट ना हो जाएँ, अदरवाइज़ आपको पता है चाइनीज़ जो ट्रेन है वो कभी भी लेट नहीं होता, तो आपका ट्रेन मिस हो सकता है। और दूसरी बात यह कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पर जो हैं वो नॉर्मली हलाल फूड नहीं होता और वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो बाहर से आपने अपने लिए फंग बियमियान लेना हो, या आपने इसके अलावा कोई फ्रूट्स लेना हो, जो खाने की चीज़ें लेना हो वो आप ले लें।
इसके अलावा वहाँ पे जो स्लो ट्रेन है वहाँ पे चार्जिंग का कोई सीन नहीं है, तो फिर अपने साथ पावर बैंक ज़रूर लेके जाएं। अगर आपका स्लीपर है तो तकरीबन 5-6 बेड के बीच में एक चार्जर होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है तो वहाँ पे चार्ज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने चार्जिंग का जो पावर बैंक है या आपका जो भी तरीका है आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। दूसरी बात है कि अगर आपका लगेज बहुत ज़्यादा कम हो तो कभी कभार अगर आप फ़्लाइट का टिकट चेक कर लें तो जो फ़्लाइट्स का जो फीस है वो ट्रेन से सस्ता होता है, वो बेशक आप कभी चेक कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी अक्सर मौक़ों पर अगर आपका लगेज का मसला ना हो तो फिर आप फ़्लाइट को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका फेयर है वो ट्रेन से बराबर ही होता है और उसका जो टाइमिंग है ऑब्वियसली आप 3-4 जो 20-25 घंटे का आपका ट्रेन का सफ़र होगा वो आपको 3-4 घंटों में फ़्लाइट में उसी प्राइस पे आप पहुंच सकते हैं। आखिरी बात कि अगर आप जब आप सीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक होंगे स्टैंडिंग, एक होगा हार्ड सीटर, एक होगा हार्ड स्लीपर और एक होगा सॉफ्ट स्लीपर। जो स्टैंडिंग है ऑब्वियसली उसमें आपको कोई सीट नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर वहाँ पे पैसेंजर कम हो तो आपको सीट मिल सकता है। और दूसरी बात जो हार्ड सीटर है वो तो हार्ड सीटर है आप सबको पता है, लेकिन जो सॉफ्ट स्लीपर और हार्ड स्लीपर है उन दोनों में क्या फ़र्क है? जो हार्ड स्लीपर है उसमें तकरीबन 3 बेड होते हैं 1, 2, 3 के हिसाब से, लेकिन जो सॉफ्ट स्लीपर है उसमें सिर्फ 2 बेड होते हैं। सॉफ्ट स्लीपर में आप जो दरवाज़ा है वहाँ पे लगा होता है आप बंद कर सकते हैं, हॉट स्लीपर में आप बंद नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट स्लीपर में लाइट्स लगे होते हैं, रात को आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो हॉट स्लीपर है आप उसमें अपने जो लाइट्स हैं वो मखसूस टाइम पे 9 बजे वो बंद हो जाता है, वो आपकी मर्जी से नहीं चलता। तो गाइस आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें। तो इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।